नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर गोली मारने की धमकी देने का आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे बिहार के दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र का निवासी है। RSOP अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार ने इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था। लालन यादव ने 12 जुलाई को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक से अधिक संवाद प्रेषित किया। एक संवाद में लिखा था, कल PM को गोली मार देना सही है। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पहचान कर गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में बताया गया कि वे अग्निपथ योजना के खिलाफ है, इसलिए ये संवाद भेजा था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार युवक अग्निपथ योजना के विरोध में मधुबनी में भाजपा कार्यालय और स्टेशन पर हुई तोड़फोड़ में संलिप्त था। उसे न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया गया है। इधर झारखंड के चाईबासा जिले के सोनुवा प्रखंड के रहने वाली 6 युवतियों को तमिलनाडु से छुड़ाकर मंगलवार को सुरक्षित उनके घर पहुँचाया गया। 99 सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड मशीन का स्पेशलिस्ट, दाग निकाले सिर्फ ₹99 में। इधर झारखंड के चाईबासा जिले के सोनुवा प्रखंड के रहने वाली 6 युवतियों को तमिलनाडु से छुड़ाकर मंगलवार को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। इन युवतियों को तमिलनाडु में जबरन रोक कर रखा गया था। युवतियों के घर वापसी से इनका परिवार काफी खुश है। बुधवार को झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि तमिलनाडु में फंसी इन लड़कियों की वापसी का पूरा इंतजाम राज्य सरकार द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि ये सभी युवतियां तमिलनाडु के तिरुपुर के बन्नारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड में धागा बनाने का काम करने गई थी। उन्होंने बताया कि सभी के पारिश्रमिक का कुल ₹36,000 बकाया था, जिसका तमिलनाडु सरकार से संपर्क करके उन्हें भुगतान कराया गया। प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्य में झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किए गए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन सेंटर चाईबासा और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने बताया कि इन युवतियों को एक ठेकेदार के द्वारा तमिलनाडु के तिरुपुर स्थित बन्नारी अम्मन स्पिनिंग मिल में काम दिलाया गया था। उन्होंने बताया कि जब 3-4 माह बाद युवतियां घर लौटने लगी तो ठेकेदार ने पैसे की मांग करके उन्हें रोक दिया, जिसके बाद युवतियों ने प्रदेश सरकार से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर सभी युवतियों को मंगलवार को तमिलनाडु में उनके मिल से उनके घर सकुशल वापस लाया गया, जिससे उनके परिजनों में प्रसन्नता है। युवतियों ने घर वापसी के लिए राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।